साक्षरता परीक्षा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए आई बेहद चौंका देने वाली खबर, तमाम बात कर लेते हैं साक्षरता परीक्षा को लेकर। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। हाल ही में साक्षरता परीक्षा 6 मार्च को समाप्त होगी और यहाँ पर फिलहाल ये कहा गया है कि 15 या 16 मार्च तक आप लोगों का साक्षरता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है साक्षरता परीक्षा को लेकर, ये कहा जा रहा है आप सभी के नॉर्मलाइजेशन से नंबर आप सभी के कुछ ना कुछ बढ़ाने की बात कही गई। हार्ड शिफ्ट में आप सभी के कुछ ना कुछ बोनस अंक देने की बात कही गई कि आप सभी को कुछ ना कुछ बोनस अंक दिए जाएंगे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही साक्षरता परीक्षा को लेकर, अगली साक्षरता परीक्षा अप्रैल तक कंडक्ट कराने की बात कही गई कि अगली अप्रैल के लास्ट वीक में देखने को मिलने वाली है। 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन सुविधा आप लोगों की दी गई परीक्षा में। फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, 5वीं बड़ी अपडेट आ रही साक्षरता परीक्षा को लेकर। ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के इस बार 50% स्टूडेंट पास, 50% फेल होंगे। फेल होने का रीजन ये है कि पुराने नियोजित शिक्षक को कंप्यूटर में फिलहाल काफ़ी दिक्कत हुई है ऑनलाइन चलाने में, ठीक है, माउस कीबोर्ड चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम फंसी हुई है। फिलहाल आपको बता दें 60 मार्क्स मेल में चाहिए पास होने के लिए सक्षमता परीक्षा को, 48 चाहिए 150 में, 48 चाहिए फीमेल में, कोई भी कैटेगरी हो, जनरल OBC ST WS कोई भी। अब बात करते हैं, नियोजित शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है मेरे चैनल के माध्यम से कि नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा के ही उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए सरकार आयोग तक इस पर बात भी पहुंचाई जा रही है फिलहाल। और काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जितने भी हैं सभी लोगों को फिलहाल यहाँ पे बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। फिलहाल आपको इसके लिए फिलहाल शाम तक जो भी ऑफिशियल अपडेट दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। और कोई आपको सबसे पहले बात बता देना है नियोजित शिक्षक के लिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बता देना है, आप लोगों की चयनित हुए थे नियमावली के अनुसार एग्जाम क्वालिफाइड करके ही चयनित हुए हैं, जिसके लिए लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि साक्षरता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाए, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा देने की कोई बात नहीं होती, बिना परीक्षा के ही राजकर्मी का दर्जा उन्हें देना चाहिए। फिलहाल शाम तक जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से अपडेट